की हकीकत सामने आई। युवती को पता लगा कि यह अरमान नहीं बल्कि यह मुकेश है। लड़की ने इसका विरोध भी किया था। आरोप है कि उक्त लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके चलते वह खामोश हो गई। कुछ समय बीतने के बाद युवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। आरोप है कि उक्त लोग अब उसको धर्म बदलने को लेकर दबाव बना रहे हैं। धर्म न बदलने पर जान से मारकर फेंक देने की बात कही है। इसी तरह से पीड़ित उक्त लोग मारकर फेंक देने की बात कही है। इसी तरह से पीड़ित उक्त लोगों के चुंगल से छूटकर भागी और घर पहुंची। मामले की शिकायत पुलिस से की, पुलिस ने अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज अरमान उर्फ मुकेश पुत्र मोहनलाल निवासी टिकरी बरखेड़ापुर पहुंचा, जहां मोहल्ले के लोगों ने उसको पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। मुकेश की बात सुनिए और पीड़ित युवती की बात सुनिए। अरमान नाम बताया था, एक साल मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी करते हुए, फिर इसे मेरा नाम असली मुकेश है, फिर इससे मेरी एक साल बाद इसने मुझसे शादी कर ली थी। मुझकी मैं मुसलमान हूँ, इसे बाद में पता चला कि मैं हिंदू हूँ, तब ये घर से चली गई थी। चाहे 8 दिन का है घर पे हमारे, पता नहीं इसे ये बात पता चली कि मैं हिंदू हूँ, तब ये चली आई हूँ। लड़की का आरोप है कि तुम धर्म परिवर्तन करा रहे हो। जी हाँ, कौन सा धर्म अपनाना चाह रहे हो? धर्म अपना आरोप से हिंदू। कहाँ के रहने वाला? टिकरी का। टिकरी माफी कोर्ट दर्ज कर लिया। तब अरमान की हकीकत सामने आई। युवती को पता लगा कि यह अरमान नहीं बल्कि यह मुकेश है। लड़की ने इसका विरोध भी किया था। आरोप है कि उक्त लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, ना बदलने पर जान से। अच्छा, तो इस न्यूज़ पे आप ध्यान दोगे ना, तो कोई कोई मीडिया न्यूज़ चैनल ने इसे धर्म लव जिहाद का मामला बताया, जबकि ये उल्टा लव जिहाद है। तो ये बताने की कोशिश की कि ये लव जिहाद का है। अगर आप इसकी डिटेल में जाओगे तो पता चलता है तो उल्टी कहानी बन रही है। तो हिंदू ने झूठ बोल के यहाँ पे सर सीधा केस है कि यहाँ पे वो नाम बदल के लड़की को धोखा दिया उसने। तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी भी नहीं, और जो भाई सुन रहे हैं तो उसको इसको फॉरवर्ड करने की जरूरत है, इसको स्प्रेड करने की जरूरत है। ये फिनोमेना सच्चा है और ये ऑर्गेनाइज तौर पर हो रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई भी नहीं और शायद होंगी भी नहीं। ठीक है।